इस मशीन को अगर लगाते हैं तो एक ईंट की कितनी कीमत आएगी और ये लगभग प्रोडक्शन कितना करके महीने का कितना कमा? अगर अपन पर ब्रिक्स की लागत की अगर बात करें तो 3 से 3.5 रुपए में आपकी ईंट रेडी हो जाती है, डिपेंड करता है आपके एरिया के हिसाब से जी। और सेलिंग प्राइस जो होती है वो 4.5 से 5 रुपए होती है, यानी 1 से 1.5 रुपए एक ईंट पे मिल जाता है। अच्छा, और इस मशीन की अगर प्रोडक्शन की बात करें तो 1 घंटे में 1900 ब्रिक्स एक घंटे में। अच्छा, और अगर 8 घंटे की इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो अप्रोक्स 15,000 ब्रिक्स आपकी रेडी कर देती है। मतलब एक दिन अगर 1 रुपया भी लेके चलते हैं तो लगभग सारा, आपने बताया जो एक ईंट पे लेबर ऊपर सारा कुछ काटने के बाद 1 रुपया बचत है ना? बिल्कुल, सूखा अगर आपको 1 रुपया बचत मिलेगा सब। तो मतलब कह सकते पर डे 15,000? बिल्कुल सर, आप समझ सकते हैं, आप तो गुड़ा भाग इतना लगा ही सकते हैं कि महीने का कितना। तो अभी अपन ऑटोमेटिक मशीन जो बताई थी हमने 8 KVT की, इसका अभी हम आपको डेमो करेंगे। ठीक है, ये मैंने इसको फुल्ली ऑटो पे कर दिया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, फुल्ली ऑटो गया, सेमी मैनुअल तीनों ऑप्शन है, तो मैंने फुल्ली पे कर दिया। अभी मैं इसका देखिए चालू हो गया, मेटेरियल आना चालू, ये मेटेरियल फीड अब प्रेशर देगा। जो है बनके आपके सामने रेडी है। ठीक है, इसमें ये प्रोडक्शन आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी 1 मिनट हुआ, 1 मिनट के अंदर ये आपकी लगभग 32 ईंटें बनके रेडी है। तो आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 8 घंटे ये मशीन चलेगी तो आपके 15,000 ब्रिक्स बना के रेडी कर देगी 8 घंटे के अंदर। दोस्तों, अपना देश तरक्की पे तरक्की करता जा रहा है, देख सकते हैं धरती छोड़कर लोग चांद पे जा रहे हैं। तो इस तरीके से देखेंगे आधुनिक चीजें में डिजिटल दुनिया होती जा रही है। तो कह सकते जो हमारी ईंट है, तो ईंट भी देखिए पहले क्या भट्ठे पे ईंट बनते थे, लेकिन आज के डेट में इतना डिजिटल हो चुका है तो इसमें भी काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। और ये ईंट आपको जो बताऊंगा कुछ अलग तरीके से बनने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में, मैं आपका दोस्त नंदलाल गुप्ता। दोस्तों, फिर से मैं एक नए बिजनेस की तलाश में आ गया गोरखपुर से चल के अब भिलवाड़ा के राजस्थान में, और आपको विजिट कराने वाला हूं शिवी इंटरप्राइजेज। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी मशीनें आपको देखने को मिल जाती हैं और यहाँ पे अलग अलग वैरायटी की मशीनें हैं। और ये ब्रिक्स जिसे कहते हैं राख से ईंट बनाना, राख से सोना बनाने, इसके बारे में बताएंगे कि इस मशीन को लगाकर आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, इस मशीन को लगाने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता है। चलिए ज़्यादा देर ना कर सीधे ऑनर से मिलते हैं, जो पूरी सीबी इंटरप्राइजेज के ऑनर हमारे पास मौजूद हैं। हेलो सर, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया सर, आप बताइए कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। काफ़ी इतना आपने बिजी रहते, इतना अमूल्य समय दिया, मैं चाहूँगा अपने फर्म के बारे में और किन किन चीज़ों में डील कर थोड़ा सा हमारे व्यूअर के लिए बताइए। बिल्कुल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कंपनी सीबी इंटरप्राइजेज में, जो कि राजस्थान भीलवाड़ा में है। मेरा नाम है दिनेश कुमार शर्मा जी। और सर, मैं जानना चाहूँगा जैसे कि क्या होता कि पुराने ज़माने में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि लोग ईंट जो था भट्टों पे बनाते थे, और आज के डेट में देख रही है जो मशीन आपने ला दिया है कि लोग ईंट बिल्कुल इसे चेंज करके बना रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसा पहले जो ईंट बनाने का प्रोसेस था वो बहुत ही स्लो प्रोसेस था। अच्छा, और अभी भी चल ही रहा है, तो उसके क्या रीज़न होगी, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, धीरे धीरे उन चीज़ों को कम कर दिया। अच्छा, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ों को देखते हैं, उसके पॉल्यूशन वगैरह को देखते हैं, उपजाऊ मिट्टी की वो सारी खबर देखते हैं, और कहीं ना कहीं जो भट्टे मालिक हैं, चिमनी मालिक हैं, उनको भी उसमें खतरा रहता है नुकसान का। अच्छा अच्छा, उसका रीज़न क्या होता है सर, कि बारिश के दिनों में उनका काम बिल्कुल बंद हो जाता है। अच्छा अच्छा, दूसरी चीज़ अगर मान लीजिए उन्होंने ब्रिक्स बना रखी है कि भाई अब इस ब्रिक्स को अपन पकाने के लिए ले जाएंगे, जी जी बिल्कुल, उस टाइम पर अगर बारिश गिर गई तो 5 लाख 10 लाख 15 लाख जितना भी माल सारा बिल्कुल पानी गांव में देखने को मिला है। बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कि उनकी लेबर तो लगी गई ना भाई, लेबर लगने के बाद तो खर्चा तो आ ही गया, तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं। तो इसमें क्या होता है सर कि आपको वो सारी चीज़ों से बिल्कुल हटके काम। और एक प्लस पॉइंट इसमें आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा कि वो जो भट्टी वाली ईंट रहती थी उसमें गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं करती थी, कोई सब्सिडी नहीं देती थी, इसमें पता चला कि कुछ गवर्नमेंट भी व्यवस्था कर रही है। बिल्कुल, इसके अंदर क्या होता है कि सर जैसे आप बड़े प्लांट लगाते हैं और अगर आप लोन लेते हैं जी, तो लोन के अंदर जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना उसके अंतर्गत अगर आप लोन करवाते हैं जी, तो आपको 35 से 40% तक छूट भी मिलती है। छूट भी मिलती है जी, मतलब कह सकते हैं आधे से अधिक हेल्प तो गवर्नमेंट खुद करते रही इसमें जी। और ये बात करें प्रॉफिट और मार्जिन ये जैसे कॉस्टिंग की, तो वो वाला ईंट महंगा पड़ेगा ये वाली ईंट? ये आपको दोनों ही लगभग कम पड़ेगा, और ये ईंट और कम ही पड़ेगा उससे। अच्छा, कम पड़ेगा, कम ही पड़ेगा। अच्छा, उसका रीज़न ये होता है कि इसका जो मेन मटेरियल होता है जैसे राख जिसको अपन फ्लायर्स बोलते हैं, वो आपको गवर्नमेंट फ्री में अवेलेबल करवाती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो होती है कि इसके अंदर रेत वगैरह हो गया, बजरी डस्ट जो हो गया, वो सारी चीज़ मिला के आपको अगर ईंट की बात करें तो कॉस्टिंग की लगभग 3 से 3.5 3.75 रुपये में आपकी ईंट तैयार हो जाती है। और मजबूती की बात करें तो मजबूत ज़्यादा पड़ेगा? बिल्कुल, उससे तो 100 गुना मजबूत है, 100 गुना बढ़ेगा। क्योंकि आपने अभी एक चीज़ नोटिस करी होगी आपके लोकल एरियाज के अंदर,
कि जैसे मान लीजिए पहले गवर्नमेंट जो भी प्रोजेक्ट चलाती थी उसमें पत्थर यूज में लेती थी, क्योंकि अच्छा। पत्थर मजबूत रहता है, रेड ब्रिक्स कहीं पे भी नहीं लगाती थी, अच्छा अच्छा, और ना ही लगाती है। पत्थर की बजाय अभी इससे बनने वाली ईंट को गवर्नमेंट के जितने भी टेंडर है उसमें यूज लिया जा रहा है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईंट कितनी मजबूत है जी। और गवर्नमेंट भी इसमें खरीदने में काफी काम ऐसे हो रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसमें भी मतलब सेल आउट ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल सर, जितने भी टेंडर निकलने हैं, जितने भी ठेके निकल रहे हैं, वो सारी इस ईंट के लिए निकल रहे हैं। इस ईंट से आपको भारी भरकम जो डिमांड है इसकी रहने वाली है। अच्छा जी, तो ज्यादा हम लोगों ने काफी बात कर ली, आप सीधे पॉइंट आते हैं मशीन के बारे में। मशीन कितने वैरायटी की आपके पास है और इसके बारे में डिटेल्स बताइए आप। बिल्कुल, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारे पास छोटी मशीनें थी, उसमें हमने आपको छोटी मशीनों के बारे में दिखाया था जी। तो इसमें हमारे पास काफी तरह के मॉडल हैं, अलग अलग तरह के मॉडल हैं, अलग अलग उनका प्रोडक्शन है और अलग अलग ही उनकी रेट होती है जी। ये जो मॉडल है ये हमारा 8 ब्रिक्स फुल्ली ऑटोमेटिक मॉडल, 8 ब्रिक्स जी, 8 ब्रिक्स बोले तो 8 ईटा एक बार में बनेगा दोस्तों, थोड़ा मैं क्लियर करना चाहूंगा जी। बिल्कुल, इसमें एक ही बार में 8 ईटा बनता है। इसमें आपको 4 ईंट का, 6 ईंट का, 8 ईंट का, 10 का, 12 का, 14 ईंट तक का मशीन जो है अवेलेबल होता है। अच्छा अच्छा जी, तो उसके हिसाब से उसका प्रोडक्शन भी अलग अलग होता है। अच्छा, इस मशीन को लगाने के लिए कितने एरिया की जरूरत पड़ेगी सर? इस मशीन का पूरा जो सेटअप होता है, अभी मैं आपको इसका पहले एक बार पूरा सेटअप दिखा जी। हाँ जी बिल्कुल, पहले सेटअप देखिए। सबसे पहला इसका ये पैनल होता है जिससे ये मशीन ऑपरेट होती है। इसको कैमरे के पास लगा दीजिएगा पैनल को जी, और यहाँ पे बहुत सारे देखिए आपको इस तरीके से बटन दिए गए हैं, इसको ऑपरेट करना बिल्कुल आसान है। बिल्कुल, इसमें क्या होता है सर, ये बटन जो दिए हैं इससे आप इसको मैनुअल ऑपरेट कर सकते हैं जी, जी। और अगर आपको इसको जैसे सेमी पे करना तो सेमी पे हो गया, फुल पे करना तो फुल पे कर दिया, फिर आप इसमें ये बटन दबाएंगे और ये पूरी मशीन ऑटोमेटिक ऑपरेट होने तीन तीन चार चार रखना जी जी। ये इसके अंदर आपको टच स्क्रीन में आपको डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें आपका जो प्रोडक्शन है वो सारा मैनेज रहेगा, इससे आप पूरा इसका पैनल जो सारा सिस्टम है उसको ऑपरेट कर सकते हैं। अभी हम आपको इसको चालू करके इसका डेमो भी दिखाएंगे। अभी आपको लाइव दिखाया जाएगा, तो बस हम लोग थोड़ा सा बता रहे हैं आपको। बिल्कुल, इस मशीन में आपको 8 ईंट बनती है और फुल्ली हैवी ड्यूटी आप ये पूरी मशीन की बॉडी देख सकते हैं जी जी। हमारी जितनी भी मशीन होती है 20 से 25 एमएम की बॉडी में उनकी जो है बॉडी बनती है लोहे में। तो इसकी अगर वेट की बात करें सर, तो इस मशीन के पूरे प्लांट का वेट ही 7.5 टन होता है। 7.5 टन जी। अच्छा, इतना हैवी मशीन होता है कि आपको कभी भी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आता है। 160 टन जी, हाइड्रोलिक तो पत्थर से भी पत्थर हो जाएगा। बिल्कुल, अभी हम आपको बना के दिखाएंगे। इसके साथ इसमें वाइब्रेशन सिस्टम भी होता है, जो नीचे वाइब्रेशन बॉक्स वगैरह लगा हुआ रहता है उससे वाइब्रेट करता है। ठीक है, इसका जो पूरा सेटअप होता है अभी हम आपको, पूरा सेटअप जो होता है, सबसे पहला होता है राख, दूसरा होता है डस्ट, तीसरा होता है आपकी सीमेंट, चौथा आप इसको बजरी, रेत, सेंध कुछ भी बोल सकते हैं, पांचवा होता है जिप्सम, जिसको आप 6 mm गिट्टी जो बोलते हैं वो होता है जी जी। तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप एक बार इसको पूरा इधर आके दिखाएंगे, थोड़ा सा कैमरामैन को चाहूंगा थोड़ा पास से आ जाएं। हां, तो बिल्कुल, इसका ओपनिंग सिस्टम जो होता है वो इस टाइप से होता है। ये देखिए, इतना आसानी से ये ओपन हो जाता है। ये देखिए, यहाँ से खुल गया। अब यहाँ से गिरेगा मेटल और सीधा इधर बाहर की तरफ निकलेगा, ये यहाँ से निकलेगा। फिर इसके नीचे क्या होता है कि कन्वेयर बेल्ट लग जाता है। ये कन्वेयर बेल्ट का सेटअप है सर? ये पूरा सेटअप कन्वेयर बेल्ट का होता है जी। ये पूरा कन्वेयर बेल्ट है लंबा, 18 फीट का, 20 फीट का, 25 फीट का, जो कस्टमर की डिमांड होती है हम देते हैं। इस टाइप का इस पे पट्टा लगा हुआ रहता है। ये देखिए, ये भी कन्वेयर बेल्ट है। ठीक है, इसमें 2 HP की मोटर होती है जो कि आपकी गियर बॉक्स से ऑपरेट। ये अलग से कमरे से लाइट लेना पड़ेगा किसी, या बंद कमरे में हम कर सकते हैं? नहीं, बंद कमरे में नहीं होगा सर। इसके लिए आपको कमर्शियल बिजली की जरूरत होती है। लगभग 20 से 22-25 HP का इसके अंदर मोटर होता है सारा, 6-7 मोटर होती है। अच्छा, इसकी हाइड्रोलिक मोटर होती है। अच्छा, इसमें कितना कितना HP का मोटर आपने यूज किया? 7.5 HP का क्रोमटन कंपनी का मोटर है। ठीक है, इसके अंदर जो इसको हाइड्रोलिक प्रेशर देता है, फिर इसका वाइब्रेशन मोटर होता है, फिर इसका दो मिक्सर का मोटर होता जी है जी। फिर इसका कन्वेयर का मोटर होता है जी जी। तो वो सारा मिला के लगभग 25 HP, 22 HP, 23 HP के अकॉर्डिंग रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पर्सनल ट्रांसफार्मर रखवाना होता है। और एरिया कितना कवर करेगा लगभग थोड़ा दिखाइए मशीन का। अगर अपनी एरिया की बात करें तो एक 30x30 का शेड आपको बनाना होता है जिसमें आपकी ये मशीन लग जाएगी जी। और पूरे एरिया की अगर अपन बात करें तो कम से कम आपके पास अगर 10,000 square feet जगह है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा, 8,000, 12,000 और अगर ज़्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और लेबर जो होते हैं ट्रेंड पूरा चाहिए या नॉर्मल एक दो दिन सिखाने पर तो वो सर मेंटेन करें? इसमें कुछ भी नहीं करना होता है जी। इसमें हमारा जो फर्स्ट में आप प्लांट लेके जाएंगे तो हमारा मैकेनिक आता है, टेक्निकल बंदा, वो आपके वहाँ पूरा प्लांट सेटअप चालू करके आएगा जी। और कुछ भी नहीं करना है, सारा काम ये करेगा। इसमें आदमी की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई मशीन लेके जाता है तो उसके लिए आप स्टॉक में हमेशा रखते हैं या फिर अलग से ऑर्डर देना पड़ता है?
डिपेंड करता है कि सर उस समय सिचुएशन क्या है। अगर हमारे पास मान लीजिए ऑलरेडी ऑर्डर पड़ा हुआ है तो ऑर्डर लेते हैं, उनसे 10-15 दिन का 20 दिन का जो टाइम होता है वो लेते हैं, और अगर रेडी में होता है तो हम हैंड टू हैंड दे देते हैं। अच्छा, गारंटी वारंटी पर बता दीजिए इसके बारे में। मशीन के अंदर जितनी भी मोटर्स रहेगी उनकी 1 ईयर गारंटी होगी पीस टू पीस रिप्लेसमेंट की, और मशीन की 3 ईयर वारंटी सर्विस। अगर 3 साल में आपको कोई छोटी मोटी दिक्कत आती है तो पहले तो फ़ोन पे ही सोल्यूशन हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा तो बंदा आ जाएगा देख लेगा, उसका आने जाने का चार्ज ही देना है, बाकी और कोई चार्ज नहीं। अच्छा, बाकी कोई पार्ट्स लगे उसके चार्ज देने पड़ेगा। हाँ, पार्ट्स का चार्ज देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल कंडीशन में इसका कोई पार्ट टूट गया है, मान लीजिए बंदे ने लापरवाही कर दी है आपके चलाने वाले ने, तो आपको उसका पैसा देना। अब मैं चाहूँगा, काफ़ी लोग सोचें तब से लोग बातें कर रहे हैं तो ज़्यादा देर ना करें, पहले लाइव मशीन को चलाते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स देख सकते हैं कैसे प्रोडक्शन करा क्या करा, उसके बारे में फिर आगे की बात करते हैं। तो अभी अपन ऑटोमेटिक मशीन जो बताई थी हमने 8 KVT की, इसका अभी हम आपको डेमो करेंगे। अभी इसमें रॉ मटेरियल फीड कर दिया है, थोड़ी जगह का अभाव होने के कारण हम वो जो बेल्ट है कन्वेयर बेल्ट और मिक्सर पूरा सेटअप लगा नहीं सकते, तो अभी हमने इसके अंदर जो होपर है उसमें मटेरियल फीड कर दिया है। जैसा मैंने बताया था इस PLC पैनल से पूरा मशीन ऑपरेट होता है। तो अभी देखिए, ये मैंने इसको फुल्ली ऑटो पे कर दिया है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, फुल्ली ऑटो गया, सेमी मैनुअल तीनों ऑप्शन है, तो मैंने फुल्ली पे कर दिया। अभी मैं स्टार्ट का बटन दबाऊंगा, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो 0 है इसकी क्वांटिटी, तो अभी ये ऑटोमेटिक जो है चालू हो जाएगी। तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, आप देखिएगा ऑटोमेटिक मटेरियल आएगा, ये देखिए चालू हो गया मटेरियल आना चालू, ये मटेरियल फीड, अब प्रेशर देगा, आप देख सकते हैं कितनी शानदार क्वालिटी की ब्रिक्स जो है बनके आपके सामने रेडी है, ठीक है। इसमें ये प्रोडक्शन आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी 1 मिनट हुआ, 1 मिनट के अंदर ये आपकी लगभग 32 ईंटें बनके रेडी है, तो आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 8 घंटे ये मशीन चलेगी तो आपके 15,000 ब्रिक्स बना के रेडी कर देगी 8 घंटे के अंदर। सारा काम फुल्ली ऑटोमेटिक, देख लीजिए आप, किसी तरह का कोई बंदा इसमें काम नहीं कर रहा है। और अभी यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करूंगा, ये मैंने स्टॉप कर दिया है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं 1 मिनट हुआ है लगभग और 32 ईंटें आपकी बनके रेडी है, और ये आपकी ईंटों की जो है कंप्लीट निकल गई क्वालिटी। अभी आप देखिए, अभी अपन आगे बढ़ेंगे तो आप अभी इसमें देख सकते हैं काउंटिंग मीटर, आप इसमें देख सकते हैं 5 हुए हैं, 1 मिनट 20 सेकंड का टाइम हुआ है और इसमें 5 दिखा रहा है। तो इसमें आपका जो सेटअप है वो कंप्लीट चलता रहेगा, और कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो सारा इसमें आपको मेंशन होता रहेगा, ब्रिक्स की क्वालिटी और प्रोडक्शन आपके सामने। सर जी, अब हम लोगों ने पूरा मशीन के बारे में लगभग जान लिया, उसके बाद प्रोडक्शन भी कैसे होता है प्रोसेस दिखा दिया, अब बात करते हैं कि इसमें प्रॉफिट की बात करें, तो इस मशीन को अगर लगाते हैं तो 1 ईंट की कितनी कीमत आएगी, और ये लगभग प्रोडक्शन कितना करके महीने का कितना कमा सकते हैं? बिल्कुल, अगर अपन पर ब्रिक्स की लागत की अगर बात करें तो 3 से 3.5 रुपये में आपकी ईंट रेडी हो जाती है, डिपेंड करता है आपके एरिया के हिसाब से जी। और सेलिंग प्राइस जो होती है वो 4.5 से 5 रुपये होती है, यानी 1 से 1.5 रुपये आपको 1 ईंट पर मिल जाता है। अच्छा, और इस मशीन की अगर प्रोडक्शन की बात करें तो 1 घंटे में आपकी ये 1900 ब्रिक्स बनाती है। कितना? 1900 ब्रिक्स 1 घंटे में। अच्छा, और अगर 8 घंटे की इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो अप्रोक्स 15,000 ब्रिक्स आपकी रेडी कर देती है। मतलब एक दिन में अगर 1 रुपया भी लेके चलते हैं ये, तो लगभग सारा आपने बताया जो 1 ईंट पे लेबर ऊपर सारा कुछ काटने के बाद 1 रुपया बचा था ना? बिल्कुल, सूखा अगर आपको 1 रुपया बचत मिलेगा। तो मतलब कह सकते पर डे 15,000? बिल्कुल सर, आप समझ सकते हैं, आप तो गुड़ा भाग इतना लगा ही सकते हैं कि महीने का कितना हो सकता है। इस तरीके से अप्रोक्सली बात करते हैं 4.5 के आसपास जाएगा लगभग। सर वो डिपेंड करता है काम करने पे, अगर आप मान लीजिए अगर इसको 2 शिफ्ट चलाते हैं नाइट अलग डे अलग, तो आप 9 लाख। हाँ, 9 लाख भी कमा सकते हैं महीने का। देखिए, आपको सुनने में आश्चर्य लग रहा है, कहते हैं ना कि जब तक आदमी जैसे हनुमान जी थे तो उनको भी अपनी ताकत की याद दिलाना पड़ता है। अगर आप अपना शक्ति का एकदम भलपूर इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात अपना मुख स्टार्ट करने के लिए कितने से स्टार्ट कर सकते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? देखिए, हमारे पास अलग अलग मॉडल है, जैसे अभी ऑटोमेटिक मॉडल है, वैसे मैनुअल मॉडल भी है,
तो आप हमारे जो दिए गए नंबर है वहाँ से कॉन्टेक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं किस मशीन का कितना प्राइस पड़ेगा, कितना उसके अंदर प्रोडक्शन होगा और कैसे वो सेटअप आप चालू कर सकते हैं, कितने मिक्सर आपको लेना है, क्या सारी चीज़ वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। मिनिमम अप्रोक्सीमेट जो है आप मात्र 60-70 हज़ार रुपये लगा के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं छोटी मशीन में, छोटी मशीन, ठीक है। और फिर जैसे जैसे मशीन बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे अमाउंट बढ़ता जाएगा, तो जितना आप लगाना चाहें 50 लाख तक की मशीन अवेलेबल है। अच्छा, ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर कैसे करना होगा? ऑर्डर के अंदर ये होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आपको ऑनलाइन मशीन मंगाना है आप कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया, तो 20% आपको एडवांस देना होता है जिसमें हम आपको 4-5 लाख तक की मशीन जो होती है वो कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल करवाते हैं। जी, उसमें क्या होता है कि छोटी मशीन होती है तो उसके अंदर आपको 20% एडवांस दे दिया, फिर मशीन यहाँ से ट्रांसपोर्ट के जरिए आपके आसपास जो भी ट्रांसपोर्ट ऑफिस वहाँ आके होल्ड होगा, फिर आपको 80% पेमेंट देके वहाँ से मशीन उठाना होता है। 5 लाख से बड़े जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट चार्ज महंगा पड़ता है, तो उनके लिए पर्सनल व्हीकल बेस्ट रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पहले एडवांस बुकिंग करवाना होता है, फिर मशीन रेडी हो जाता है, जब रेडी हो जाएगा 5 से 10 दिन 15 दिन जो भी टाइम बताएंगे उसके अंदर, फिर यहाँ से गाड़ी डिस्पैच होने से पहले आपको पेमेंट क्लियर होगा। जिनके एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर होगा आपको वीडियो डिस्प्ले पर और वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली यहाँ से विजिट कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।